दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार है जिन्होंने अपनी कलाकारी से लोगों को चौंकाने के साथ साथ उनका दिल भी जीता है। आपने लेगो से बनाई गई मूर्ति और कपड़ों से बनाई गई पेंटिंग के बारे में शायद पहले नहीं सुना होगा। इन्हें बनाने के लिए मशीनों की जरूरत होती है, पर कुछ गॉड गिफ्टेड लोगों ने अपने हाथों के कमाल से ही ये बना डाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं दुनिया भर में 5 सबसे अनूठे कलाकारों के बारे में जिन्होंने गजब की पेंटिंग बना डाली, वो भी अपने हाथों से। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है स्टेफन पेवस्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें इस दुनिया को 3 डायमेंशन से देखती हैं? इसीलिए अगर किसी भी पेंट में तीसरा एंकल जोड़ दें तो हम ऐसे चित्र को सच समझने की गलती कर देंगे। आजकल की 3D पेंटिंग्स में कुछ इस तरह की कलाकारी की जा रही है। ऐसे ही कलाकार हैं स्टेफन पेवस्ट। ये इस फील्ड में ऐसे 3D आर्टिस्ट हैं जिनके हाथों में सच में जादू है। इनकी बनाई गई हर एक पेंटिंग में इतनी गहराई छिपी होती है जिन्हें देखकर हर कोई धोखा खा जाता है कि ये कोई चित्र नहीं बल्कि सच्चाई हो। अगर स्टेफन ने किसी जानवर को पेंसिल से कैनवस पर उतार दिया हो तो ऐसा लगता है मानो वह जानवर जिंदा हो गया हो। कुत्ता, घोड़ा, डॉल्फिन, मछली, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें सामने देखने से अच्छा आप स्टेफन के हाथों द्वारा कागज पर उतारा हुआ देखना पसंद करेंगे। नंबर 4 पर है जिम डेनवॉन। कहते हैं कि समय रेत की तरह होता है, एक बार फिसल गया तो हर बार वापस नहीं आता। इसका सीधा मतलब ये है कि रेत एक ऐसा पदार्थ है जो आमतौर पर हाथों से फिसल जाता है, पर कुछ कलाकार रेत से ही इतनी खूबसूरत कलाकृतियां बना देते हैं कि उनको हम बस देखते ही रह जाते हैं। जिम डेनवॉन इन्हीं में से एक कलाकार हैं जिन्होंने इससे भी आगे जाकर रेत पर एक ऐसी कलाकारी करने का फैसला किया जिसे बस आसमान से ही देखा जा सकता है। रेतीली जमीन पर तैयार की गई इन कलाकृतियों को देखने के लिए आपको अच्छी खासी ऊंचाई पर होना जरूरी हो जाता है। इस तरह की कलाकृति कोई आम इंसान नहीं बना सकता, इसके लिए आपको अच्छा खासा गणितीय ज्ञान और ढेर सारा संयम रखने की जरूरत होती है। नंबर 3 पर है बेंजामिन साइन। अगर आप एक पेंटर हैं तो आपको यह पता होगा कि पेंटिंग कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपकी कल्पना शक्ति आम लोगों से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, पर यह कल्पना करना और भी मुश्किल हो जाता है जब पेंटिंग रंगों से नहीं बल्कि कपड़ों से बनाई जाती हो। सुनने में काफी अजीब लगे, लेकिन यह पेंटिंग फोटोशॉप या किसी रंग का इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई हैं। यह पेंटिंग बनाई गई हैं सिर्फ कपड़े का इस्तेमाल करके। कपड़े का इस्तेमाल करके हवा से बचाते हुए कपड़े को एक जगह सेट करना आसान काम नहीं होता। इस काम में कपड़े को अपने मुताबिक जगह पर सेट करने के लिए आयरन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब लोग इस 3D कलाकृति को देखते हैं तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें इंसानी हाथों से बनाया गया है। नंबर 2 पर है नेथन सवाया। अगर आपने रावण मूवी देखी होगी तो आपने छोटे छोटे क्यूब से बनते रावण का सीन जरूर देखा होगा। कुछ कुछ इसी तरह से काम करता है लेगो। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लेगो का इस्तेमाल किया ही होगा। यह एक ऐसा टॉय है जिससे बच्चे अलग अलग और छोटी छोटी कलाकृतियां बनाते हैं, पर नेथन सवाया नाम का यह अमेरिकन कलाकार लेगो ब्रिक्स का जिस खूबी से इस्तेमाल करता है, ऐसा इस्तेमाल दुनिया में शायद कोई नहीं करता होगा। उन्होंने लेगो ब्रिक्स से इतनी बेहतरीन कलाकृतियां बनाई हैं जिसे देखने हजारों लोग अलग अलग देशों से आते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता लेगो ब्रिक्स अपने दिल में बसे इमोशन को जाहिर करने का एक जरिया भी हो सकता है, पर नेथन ने अपनी कलाकृतियों से यह संभव करके दिखाया है। नंबर 1 पर है फ्लिक सैंपर। हजारों कागज के पन्नों को जोड़कर पत्थर की तरह नजर आने वाली मूर्ति बनाई जा सकती है। इसकी कल्पना भी शायद किसी ने की होगी, लेकिन फ्लिक सैंपर नाम के इस इंसान का दिमाग कुछ अलग ही तरह की कल्पना रखता है। सैंपर कुछ ऐसी मूर्तियां बनाता है जो दिखने में तो वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लगती हूँ, पर ऐसा है नहीं। कागज का इस्तेमाल करके बनाई गई इन मूर्तियों को आप काफी लंबा खींच सकते हैं या खींच कर इसकी जगह भी बदल सकते हैं। ऐसी मूर्तियां जब सार्वजनिक जगह पर लगाई जाती हैं तो लोग इनके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाते, और फिर बच्चे हों या जवान सभी इससे खेल कर इसका मजा लेना चाहते हैं। यह कुछ ऐसी ही मूर्तियां हैं जिन्हें लोग बार बार देखना पसंद करते हैं।